अगर आप कोई भी एक सकारात्मक विचार 7 दिनों तक लगातार अपने मन में करते रहे तो वह विचार जल्द ही आपके सामने हकीकत बनकर आएगा। ऐसा सदियों से बहुत से महापुरुषों ने कहा है कि जो हम दिल से चाहते हैं वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो वह हमें प्राप्त होकर ही रहता है। इसके पीछे गहरा प्राचीन रहस्य छुपा हुआ है, वही रहस्य हम आज की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, किसी ने पूछा था कि ध्यान की कोई सरल विधि बताइए जिससे हम सीधे ध्यान में उतर जाएं और हमें ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। लेकिन मेरा आप लोगों से एक सवाल है, आपको क्या लगता है इस दुनिया में कोई भी कार्य करने के लिए क्या हमें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या बिना कुछ किए ही कोई भी कार्य पूरा किया जा सकता है? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ध्यान इतना मुश्किल कार्य है? क्या आप उसे कर ही नहीं पाते? और अगर आप सोचते हैं तो जरूर मुश्किल ही होगा, इसीलिए तो आप इसको करने के लिए, ध्यान में उतरने के लिए आसान विद्या ढूंढते रहते हैं जिसमें आपको कुछ करना भी ना पड़े और सब कुछ स्वयं आराम से हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। बिना कुछ करे तो कुछ नहीं होता। याद रखिएगा, जो जितना कठिन परिश्रम करता है उसे उतना ही अधिक मीठा फल भी मिलता है और जो परिश्रम नहीं करते उन्हें उतना ही कम मिलता है। तो हम यहां ध्यान की बात कर रहे हैं। ध्यान को हम कैसे आसान बना सकते हैं? अगर वास्तविकता देखी जाए तो ध्यान बहुत आसान है, लेकिन ना जाने क्यों आप लोगों ने यह मान रखा है कि ध्यान करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। और मेरी एक बात अवश्य याद रखिएगा, एक मनुष्य के भीतर जो मानने की एक शक्ति है ये उसके पूरे जीवन को बदल कर रख सकती है। इसलिए जब भी हम कुछ मान लेते हैं तो सामने वाली चीज वैसे ही हमें दिखाई देने लगती है और घटनाएं भी उसी के अनुरूप घटने लगती हैं। इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटा सा गांव था, उस गांव में एक व्यक्ति रहता था जो हमेशा खुश रहता था। उसके सामने चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत या कितनी भी बड़ी घटनाएं क्यों ना जाएं, वह उनका हंसकर सामना किया करता था। इसलिए वो हमेशा हर परिस्थिति में खुशियां ढूंढ ही लेता था, क्योंकि उसका यह मानना था कि जो कुछ भी उसे जीवन में मिल रहा है उसे देने वाला वह भगवान है और उससे वह बहुत प्रेम करता था। इसीलिए हमेशा हर परिस्थिति में, सुख में, दुख में, वह हमेशा अच्छा ढूंढ ही लिया करता था, जिस कारण वह हर परिस्थिति में खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था। लेकिन उसी के पड़ोस में एक और व्यक्ति रहता था और उसका वह पड़ोसी बहुत धनवान था, उसके पास बेशुमार दौलत थी, जबकि वह व्यक्ति बहुत गरीब था। वह धनवान पड़ोसी जब भी उस गरीब व्यक्ति को देखता तो उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था, हमेशा हंसता रहता था, आनंदित रहता था। ये देखकर प्रधान पड़ोसी उससे बहुत जलता था, उससे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। वह तो बस उसे उदास देखना चाहता था। वह चाहता था कि वह रोए, गिड़गिड़ाए, परेशान रहे, चिंतित रहे, जिससे उसके मन को शांति मिले और उसे इस तरह से देखकर वह बहुत प्रसन्न हो सके। वह यह चाहता था कि उसका वह गरीब पड़ोसी ये मान ले कि सारी खुशियां धन से ही मिलती हैं। इसलिए एक दिन पड़ोसी उस गरीब आदमी के पास पहुंचा और उसे कहने लगा, मित्र, इस रास्ते में एक औरत रहती है जो रोज सुबह टोकरी लेकर निकलती है। जब भी औरत मेरे सामने आती है तो मेरा पूरा दिन बेकार हो जाता है, मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। वह बहुत मनहूस है, इसलिए जब भी वह तुम्हारे सामने आए तो अपनी नजर चुरा लेना, अन्यथा तुम्हारा दिन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा और तुम दिन भर परेशान रहोगे, चिंतित रहोगे, तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटती ही रहेगी। इतना कहकर वह धनवान पड़ोसी वहां से चला गया। लेकिन उस गरीब व्यक्ति ने उस धनवान व्यक्ति की बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अगले दिन वह धनवान व्यक्ति एक बार फिर उस गरीब व्यक्ति के पास आया और एक बार फिर से उसने उस औरत के बारे में वही सारी बातें कही। ऐसा ही करीबन उसने एक सप्ताह तक किया। वह हर रोज आता और उस गरीब व्यक्ति को उस औरत के बारे में इस तरह की बातें बताता और फिर अपने काम पर निकल जाता। एक दिन वो गरीब व्यक्ति खुशी खुशी कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वो टोकरी वाली औरत नजर आ गई और ठीक उसी समय पर उसे उस समय बात भी याद आ गई कि यह औरत मनहूस है, जो भी इसका चेहरा देख लेता है उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटती ही रहती है। वह यह सोचता हुआ आगे जा ही रहा था कि तभी अचानक उसके पैरों में एक कांटा चुभ गया।
अब ऐसा नहीं है कि उसे पहली बार कांटा चुभा था। जब भी उसे कांटा चुभता तो ईश्वर का धन्यवाद करके आगे की ओर बढ़ जाता था। वह हमेशा यही कहता था कि हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बचा लिया, अन्यथा इससे कुछ बड़ा हो सकता था। लेकिन आज जब उसके पैरों में कांटा चुभा तो उसने सोचा, शायद वह धनवान व्यक्ति सही कहता है, यह औरत मनहूस है, जो भी इसका मुंह देख लेता है उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घटने लग जाती है। अब से जब भी वह गरीब व्यक्ति कहीं जा रहा होता है तब तक वह टोकरी वाली औरत उसके सामने आ जाया करती। हालांकि वह उसके सामने पहले भी आया करती होगी, लेकिन तब उसका ध्यान उस पर नहीं जाता था। लेकिन अब उसका पूरा ध्यान केवल उसी पर था। जब भी वो उसके सामने आती तो उसे वो दुख के पल याद आने लगते जब उसका मुख देखने के कारण उसे कुछ दुख मिला हो, और इसी तरह वो उन दुखों के छड़ों को इकट्ठा करता चला गया, और उन दुखों के लिए वह हमेशा उस औरत को जिम्मेदार मानने लगा, उसे कोसने लगा, और इसी प्रकार धीरे धीरे उसके मन की जो खुशियां थीं वह क्षीण होती चली गई। वह हमेशा दुखी रहने लगा था, परेशान रहने लगा था। अब उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता था। वह छोटी से छोटी चीजों में भी दुख ढूंढ ही लेता था। ऐसा ही कई दिनों तक चला, और अब वह उस औरत से बहुत परेशान हो चुका था। वह उसे किसी तरह से भी छुटकारा पाना चाहता था। एक दिन वह अपने मार्ग में आगे जा रहा था कि तभी उसके सामने वह औरत आ गई। उसे देखते ही उसका पैर फिसल गया और वह पास ही के एक गड्ढे में जा गिरा। जैसे तैसे उसने खुद को वहां से निकाला और वो वापस अपने घर पहुंचा, और मन ही मन वो उस औरत से छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढ रहा था। उसे उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था, और तभी उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इस औरत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। ना तो यह औरत रहेगी और ना मेरे साथ यह अनहोनियां होंगी, ना मुझे इस तरह से परेशान रहना होगा। देखते ही देखते रात्रि का समय हो चुका था। इन्हीं विचारों के साथ वह उस रात उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए निकल पड़ा। वह तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी वह अचानक एक व्यक्ति से टकरा गया। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि उसका गुरु था। वह गुरु अपने उस शिष्य को देखकर यह समझ चुके थे कि यह बहुत परेशान है और किसी न किसी चिंता में है। तभी वह अपने शिष्य से कहते हैं, इतनी रात को कहां जा रहे हो? इस पर उनका शिष्य कहता है, हे गुरुवर, मैं उस टोकरी वाली औरत से बहुत परेशान हो चुका हूं, और अब तो मैं उसे रास्ते से हटाकर ही दम लूंगा। उसने मेरा पूरा जीवन बर्बाद कर दिया है। हर रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी होती रहती है। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसे तो मैं उसकी अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लूंगा। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति के हाथों में हथियार देखा और उसे कहने लगे, अच्छा तो तुम उसकी हत्या करने जा रहे हो? इस पर वह गरीब व्यक्ति कहता है, हे गुरुवार, उसने मेरे सुखी जीवन में आग लगा दी है। मेरा जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। हर रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ अनहोनी घट जाती है। मैं हर रोज केवल यही प्रयास करता हूं कि वो मुझे मार्ग में न मिले, लेकिन वो हर रोज मेरी मार्ग के बीच में आ ही जाती है। उसके कारण मेरा पूरा जीवन नरक बन चुका है। इसी कारण मैं बहुत परेशान हो चुका हूं। इसीलिए मैंने ये तय किया है कि अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तो उसे अपने मार्ग से हटाकर ही दम लूंगा। इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, इसके लिए तुम्हें उसकी हत्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक मार्ग दिखाता हूं, तुम उस पर चलो, तुम्हारा सब कुछ फिर से अच्छा होने लगेगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरु, बताइए वह कौन सा मार्ग है, मुझे क्या करना होगा? तभी वह गुरुवर कहते हैं, इसी मार्ग पर एक और औरत रहती है और मैंने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैंने यह भी सुना है कि जो कोई भी उसकी शक्ल देख लेता है उसका पूरा दिन बहुत अच्छा बीतता है, उसके साथ सब कुछ अच्छा होता है। वह बहुत भाग्यशाली है, जो भी उसके दर्शन कर लेता है उसके जीवन में आने वाले दुख आधे हो जाते हैं। इसलिए जब भी तुम इस मार्ग से निकला करो तो उस औरत के दर्शन अवश्य किया करो, तुम्हारे जीवन के सारे दुख देखते ही देखते खत्म हो जाएंगे। इतना कहकर वह गुरु अपने मार्ग में आगे की ओर बढ़ चले। उस व्यक्ति को अपने गुरु की बात पर पूरा यकीन था, इसलिए वो वापस अपने घर की ओर लौट गया। अब से जब भी वह किसी कार्य के लिए उस मार्ग से होकर गुजरता था तो वह उस औरत के दर्शन अवश्य करता था, और उसने अब यह भी मान लिया था कि उस औरत के दर्शन के कारण ही
उसके जीवन में जो भयंकर दुख आने वाले थे वह कम होने लगे हैं और वह पहले से अच्छा महसूस करने लगा था। वह पहले से खुश महसूस करने लगा था क्योंकि वह हर रोज उस औरत को देखकर वहां से निकल जाता और उसके साथ सब कुछ अच्छा हो जाता। उसे इस बात का विश्वास हो चुका था कि अब उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, उसके साथ सब कुछ अब अच्छा ही होगा। यदि उसके साथ कुछ भी गलत होता था तो वो यही सोचता था कि शायद मेरा इससे भी बड़ा अहित होने वाला था, लेकिन उस औरत के दर्शन के कारण मैं बच गया। हालांकि इसके बारे में उस औरत को कुछ नहीं पता था कि उसके दर्शन के कारण कौन सुख पा रहा है और कौन दुख पा रहा है। तो दोस्तों, हम यहां पर बात कर रहे थे मान लेने की। ध्यान में मान लेना एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप ये मान लेते हैं कि ध्यान कठिन है और इसे आप कभी नहीं कर सकते, तो आप यकीन मानिए आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास यही कहता है। आपने जो मान रखा है, आपने जो विश्वास रखा है, वह यही कहता है। और तो और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ध्यान करने से लोग पागल हो जाते हैं। यदि आप ऐसा मानते हैं तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। लेकिन जरा यह सोचिए, क्या नकारात्मक विचारों से सकारात्मक चीजों को उत्पन्न किया जा सकता है? क्या नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों का निर्माण किया जा सकता है? नहीं। यदि आपको सकारात्मक होना है तो आपको सकारात्मक सोचना होगा, सकारात्मक चीजें माननी होंगी, सकारात्मक चीजों पर विश्वास करना होगा और सकारात्मक विचार ही उत्पन्न करने होंगे। इसलिए जो आप मान लेते हैं आपके साथ भी वैसा ही होता है। तो अब बात आती है कि ध्यान कैसे किया जाए। शुरुआत में तो हम केवल ध्यान करने की कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपने यह भी ध्यान दी होगी, आप पूरे दिन में बहुत सारा समय यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं। लेकिन यदि कोई आपसे यह कहे कि केवल 5 मिनट दिन में, केवल 5 मिनट आप अपने ध्यान को दीजिए, तो आप यह नहीं कर पाएंगे। हालांकि आप अपना अधिकांश समय यूं ही व्यर्थ गवा देते हैं, लेकिन वो 5 मिनट आप ध्यान करने में नहीं दे सकते। आपसे कोई कहे कि 5 मिनट बैठकर शांति से केवल अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, तो यह आप नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आप में से अधिकांश लोग इसे 1 दिन करें, 2 दिन करें, 3 दिन करें, 4 दिन करें, और फिर किसी की बात सुनकर अगर आपको और भी ज्यादा प्रेरणा मिल जाए तो हो सकता है क्या आप उसे 15 से 20 दिन या फिर महीना भर कर सकते हैं। लेकिन फिर आप इसे ऊपरी मन से करने लग जाएंगे और एक ना एक दिन आप इसे छोड़ देंगे। लेकिन आपने यह नहीं सोचा कि जहां पर आप अपना समय यूं ही वेस्ट कर देते हैं, वहां पर केवल दिन में 5 मिनट निकालना क्या इतना मुश्किल है? जरा सोचिए, क्या इससे सरल और इससे आसान कुछ हो सकता है? हां, शुरुआत में हम ध्यान का अभ्यास जरूर करेंगे, शुरुआत में हम ध्यान करने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन ध्यान नहीं लग पाएगा। इससे आप परेशान होने लगेंगे, चिंतित होने लगेंगे और तरह तरह की अलग मार्गों को ढूंढने लग जाएंगे, जो इससे भी सीधा हो, सरल हो, आसान हो, जिसमें आपको कुछ करना भी ना पड़े और आप आसानी से ध्यान में उतर जाएं। और कुछ लोग जो धैर्य बनाकर रखेंगे और ध्यान की कोशिश अर्थात ध्यान का अभ्यास निरंतर करते रहेंगे, वह एक ना एक दिन ध्यान में जरूर और उतरते जाएंगे और देखते ही देखते यह ध्यान संपूर्ण हो जाएगा। और जब आप एक बार उस ध्यान में उतर जाएंगे, तब आप अपने जीवन को देख सकेंगे, उसकी वास्तविकता को जान सकेंगे, अपने आप को पहचान सकेंगे, तब आपकी सोच और समझ का विस्तार होने लगेगा। महात्मा बुद्ध भी इसी तरह से ध्यान किया करते थे। वह केवल अपनी सांसों पर ध्यान लगाया करते थे, क्योंकि सांस ही एक ऐसी चीज है जो आपके साथ हमेशा रहती है। जब तक आपका यह शरीर है, तब तक आपकी सांसें भी हैं और तभी तक ध्यान संभव है। बिना सांसों के या बिना शरीर के ध्यान नहीं किया जा सकता। सांस रूपी या एक ऐसा यंत्र है जो आपको मिला हुआ है, जिस पर आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी अवस्था में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। बाकी ऐसी कोई चीज नहीं जिसे हर जगह, हर समय अपने साथ आप लेकर चल सकते हो और वह आपको इस भौतिक जगत से आपके आंतरिक जगत तक जोड़ती हो। क्या आपने कभी एक पल के लिए सोचा है कि आपको दिन भर में कितनी सांसें आती है और कितनी सांसें जाती हैं? क्या आपने कभी इस पर ध्यान दिया है? क्या आपने कभी यह भी ध्यान दिया है कि क्या आप सांसें ले रहे हैं या नहीं? तो चलिए एक छोटा सा प्रयोग करके देखते हैं। आप सबके पास मोबाइल फोन तो होगा ही, जिसे आप यूज करते हैं। आपके पास इंटरनेट भी होगा
आपका जब मन करता है तब आप अपने फोन पर उंगलियां चलाने लग जाते हैं, कुछ नहीं तो आप बार बार फोन ऑन ही करके देख लेते हैं, कुछ मिल जाए कुछ मजेदार ढूंढने लगते हैं, क्योंकि फोन आपकी एक आदत सी बन चुकी है और आप उसके बिना एक सेकंड भी रह नहीं पाते। तो अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर आपको करना क्या है। तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, आपको अपने इस फोन को कुछ देर के लिए अपने आप से दूर रखना है और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना है कि आप कितनी देर तक फोन को बिना इस्तेमाल किए रह सकते हैं। जब आप ध्यान देंगे तब आपको यह एहसास होगा कि आपके भीतर से कोई ऐसा है जो आपसे ये कह रहा होगा, जो आपसे जोर जबरदस्ती करेगा कि उस फोन को उठा लो, उस फोन को ऑन करो और देखो कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नया तो नहीं आया, कुछ मजेदार आया होगा। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, क्या आखिर ये जोर जबरदस्ती हमसे करेगा कौन? तो ये कोई नहीं है, ये तो केवल आपकी एक आदत है और ये आदत घटना चाहती है, क्योंकि हम जो भी आदतें अपनाते हैं वो आदतें घटने के लिए ही होती है और वह सभी घटना ही चाहती है, वह आपके द्वारा बाहर की ओर कार्य करना चाहती है। और अगर यह एक आदत है जो आप पर हावी हो रही है तो आंखें बंद करना और ध्यान देना कि आप में यह आदत कहां से आई है और आपके भीतर यह कहां समाई हुई है, क्या आप इसे जान सकते हो, क्या आप इसे पहचान सकते हो, क्या आप इस पर नियंत्रण पा सकते हो, अगर हां तो कैसे। और यह केवल एक आदत नहीं है, ऐसी कई सारी आदतें हमारे भीतर यूं ही छुपी हुई है जो हमारे द्वारा बाहर के कार्य करना चाहती है, अर्थात घटना चाहती है, और इन्हीं आदतों के कारण हमारा निर्माण होता है। यही आदतें हमारा निर्माण कर रही हैं और वो भी बिना हमारी अनुमति के। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा था? ऐसे ही जीवन की छोटी छोटी बातों में आप ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं, उसमें अपने आप को ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनकी वास्तविकता और सत्यता को देख सकते हैं। हो सकता है यह प्रयोग आप में से कई लोगों को समझ में आया हो और ना भी समझ में आया हो। यदि आपको समझ में आया तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि आपको यह प्रयोग नहीं समझ में आया तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। कर्तव्यनिष्ठ इंसान बनने के लिए केवल एक ही विचार को बार बार सोचकर कैसे सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसी विषय पर हम अगली कहानी आपको सुनाएंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पूरे राजमहल में पायल की झंकार गूंज रही थी। मंत्री, सेनापति और अन्य सभी सभासद नशे में पूरी तरह से डूबे हुए थे, यहां तक कि सम्राट भी पूरी तरह से मदहोश हो चुके थे। भोग विलास का यह दृश्य देखकर गुरुवर को बहुत तकलीफ हुई, उनके सीने में मानो एक खंजर सा गड़ गया। वह यह सोचने लगे, क्या यह वही राजा है जिसे एक महान नायक बनाने के लिए मैंने सालों तक उसे प्रशिक्षण दिया था, और आज यह सब क्या हो रहा है? गुरुवर राजा को सम्राट की गद्दी पर बैठाकर वन में स्थित अपने आश्रम चले गए थे, और जब उन्हें राजा के इस व्यवहार के बारे में पता चला, उन्हें राजा के द्वारा किए गए इन कर्मों के बारे में पता चला, तो वह शीघ्र ही राजमहल आ पहुंचे और राजमहल में यह दृश्य देखकर वह खुद को रोक ना सके। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कठोर आवाज में चिल्लाते हुए कहा, बंद करो ये सब। उन गुरुवर की इस कठोर आवाज को सुनते ही वहां पर उपस्थित सभी लोग एक पल के लिए मौन से हो गए, मानो उन गुरुवर की आवाज ने सभा के नशे को पूरी तरह से चीर कर रख दिया। संगीत थम गया और उन गुरुवर की आवाज को सुनकर वह सम्राट चौंक गया। किसी तरह से उसने होश संभाला और उठ खड़ा हुआ। उसने उन गुरुवर को प्रणाम किया। इस पर वह गुरुवर क्रोधित होते हुए सम्राट से कहते हैं, सम्राट, जीत पर सोओगे तो हार में उठोगे। कर्म ही मनुष्य का धर्म है, और जो यह नहीं करता वह कमजोर और नकारा हो जाता है। इस पर वह सम्राट जवाब देते हुए उनको वर से कहता है, है गुरुवर, क्षमा कीजिएगा, परंतु जब से मैं सम्राट बना हूं तब से मैंने केवल राज्य ही संभाला है। मैं राज्य को संभालने में इतना व्यस्त हूं कि मैंने अपने ऊपर तनिक भी ध्यान नहीं दिया है, और ऐसा सम्राट होने का भला क्या फायदा, जहां हमें हर दिन केवल कठपुतली की तरह काम ही करता रहा। कठपुतली की तरह मैं नचाया जाता रहा हूं, ना तो मैं अपनी इच्छा से उड़ सकता हूं और ना ही अपनी इच्छा से बैठ सकता हूं, और ना ही मैं अपनी इच्छा से कहीं बाहर जा सकता हूं, जहां तक कि मेरा विवाह भी आपके लिए एक राजनीति ही थी। जब से मैं सम्राट बना हूं तब से मैं एक पल के लिए भी चैन से सो नहीं पाया हूं, और ऐसी अवस्था में यदि मैंने थोड़ा सा
सुख पाने के लिए समारोह आयोजन कर लिया, थोड़ा सा भोग विलास कर लिया, तो इसमें क्या बुरा हो गया? यदि मैं एक सम्राट होकर भी सुख न भोगू तो भला मेरी इस सफलता का क्या फायदा? अगर सफल होने के बाद भी मुझे उसी प्रकार संघर्ष करते रहना है जिस प्रकार मैं पहले कर रहा था, तो भला मेरी ऐसी विजय का क्या लाभ? इस पर वह गुरु मुस्कुराए और उन्होंने राजा से कहा, सम्राट, तुम सफलता और भोग विलास को एक चीज समझ बैठे हो? तुम विजय और आराम को एक चीज समझ रहे हो? अगर तुम्हारे जैसा ज्ञानी सम्राट, तुम्हारे जैसा ज्ञानी महाराजा अगर ऐसी भूल कर सकता है, तो इसमें मेरी ही गलती है। अगर तुम जैसे सम्राट को इतना गंभीर भ्रम हो सकता है, तो इसे मुझे विस्तार में तुम्हें समझाना ही चाहिए। आगे गुरुवर उस भरी राज्यसभा में राजा से कहते हैं, सम्राट, सबसे पहले तुम मेरी यह बात समझो कि संघर्ष से ही शक्ति प्रकट होती है। यदि विषय सरल बना दिया जाए तो कोई भी विद्यार्थी उसमें अपना मस्तिष्क नहीं खपाएगा, अर्थात वह अपना दिमाग कभी नहीं लगाएगा और उसका दिमाग कभी तीव्रता से काम करना सीख ही नहीं पाएगा। और यदि कभी आपत्ति ना आए तो सिपाही भी साहस नहीं जगा सकेगा। ठीक उसी प्रकार अगर जीवन में संघर्ष ना हो तो हम मनुष्य के भीतर की वह आंतरिक शक्ति कभी नहीं जागती। इसीलिए सफलता का असली मतलब होता है संघर्ष करते रहना, चुनौतियों को स्वीकार करना और संघर्ष करके खुद को और बेहतर बनाते जाना, शक्तिशाली होते जाना। इसीलिए संघर्ष का मतलब दुख नहीं बल्कि आत्मा की प्रगति होती है। उन गुरुवर के यह शब्द सम्राट के हृदय को भेद रहे थे। सम्राट ने उन गुरुवर की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और राज्यसभा में मानो एक सन्नाटा छा गया। तभी वह सम्राट दोनों हाथ जोड़कर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे क्षमा करें, परंतु मैं यह जानना चाहता हूं, यदि मैं भोग विलास ना करूं, यदि मैं समारोह का आयोजन ना करूं, तो मेरे इस मन को सुख कैसे मिलेगा? मेरा यह मन भला कैसे शांत हो पाएगा? मेरे मन को चैन कैसे मिलेगा? इस पर गुरुवर उस सम्राट के इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, है राजन, अगर तुम्हारी प्रजा भूखी है तो क्या तुम कभी चैन की नींद सो सकोगे? अगर यह बात जानते हुए भी तुम चैन की नींद सो जाते हो तो तुम सम्राट कहलाने के लायक नहीं हो। और यदि तुम एक सच्चे सम्राट हो तो यह बात तुम्हें कभी सोने नहीं देगी। यह बात तुम्हारे मन को कचोड़ती रहेगी और तुम्हारे मन को कभी चैन नहीं मिलेगा। फिर चाहे तुम कितना भी भोग विलास क्यों ना कर लो, फिर चाहे तुम कितना भी ऐशो आराम का जीवन क्यों ना जी लो, फिर चाहे तुम कितने भी समारोह का आयोजन क्यों ना कर लो, लेकिन यह संगीत का नाच गाना तुम्हें कभी चैन से नहीं रहने देगा। इसलिए है राजन, पूरी निष्ठा से कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि एक राजा के लिए उसकी प्रजा ही सब कुछ होती है। अपने प्रजा की सेवा में जुट जाओ, अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए दिन रात संघर्ष करो। संघर्ष से ही तुम्हारी आत्मा की शक्ति जागृत होगी। आत्मा की शक्ति से ही तुम मन को साथ पाओगे, मन को नियंत्रित कर पाओगे। और एक बार यदि तुम मन पर नियंत्रण साथ लोगे तो तुम गहरे आनंद का अनुभव कर पाओगे, जो इस तुच्छ शारीरिक सुख से कहीं ज्यादा अधिक गहरा है। और केवल तभी तुम्हें यह भी नजर आने लगेगा कि जिस संघर्ष को तुम कष्ट समझ रहे थे वह तो उन्नति की सीढ़ियां हैं, जिसे चढ़कर ही तुम उन्नति पा सकते हो। और यही सीढ़ियां चढ़कर तुम अपनी आत्मा को और प्रबल भी बना सकते हो। इसलिए है राजन, सफलता का असली मतलब सुख नहीं बल्कि कर्तव्य पालन और निष्ठा है। गुरुवर की यह सारी बातें सुनकर सम्राट के आंखों से पर्दा हट चुका था। वह उन गुरुवर की हर एक बात को अच्छी तरह से समझ चुका था। सम्राट पहले से ही बहुत ज्ञानी था, बस वह रास्ता भटक चुका था। उसके बाद से सम्राट ने अपना पूरा जीवन केवल अपनी प्रजा की देखरेख में लगा दिया। उसने पूरी निष्ठा से राज्य प्रशासन किया और देखते ही देखते उसकी प्रजा भी उससे अत्यधिक पसंद करने लग गई थी। लेकिन सम्राट के जीवन काल में एक ऐसा समय भी आया जब पूरे राज्य में भीषण अकाल पड़ा था, और इसी अकाल के दौरान सम्राट ने अंतिम 40 दिनों में अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था, क्योंकि राजा की प्रजा के पास अन्न नहीं था। ऐसे में राजा भला भोजन कैसे ग्रहण कर सकता है? और 40 दिनों की लगातार अथक प्रयासों के बाद, मुश्किलों और संघर्षों के बाद सम्राट ने प्राण त्याग दिए। दोस्तों, यह कहानी बहुत छोटी सी है लेकिन हमें बहुत कुछ सिखाती है। आपने देखा होगा कि आजकल हम तरह तरह की संगीत सुनते हैं, मूवीज देखते हैं, तो हमें लगता है कि सफलता का असली अर्थ यही है
पैसा कमाओ और फिर जिंदगी में आराम करो, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठो, महंगी कपड़े पहनो। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि इससे आपको कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि यदि आप सफलता को आराम मान बैठे हो तो आपको कभी मेहनत करने का मन ही नहीं होगा। क्योंकि सफलता तो केवल नाम के लिए है, किंतु आप अपने मन के भीतर से तो केवल आराम ही आराम चाहते हैं। और देखते ही देखते हमारा अंतर्मन इस आराम के लक्ष्य को अपना भी लेता है। और यही कारण है कि हम में से अधिकांश से लोगों का काम में मन नहीं लग पाता, क्योंकि हम भीतर ही मन से आराम चाहते हैं, उस काम से छुटकारा चाहते हैं। और ऐसी अवस्था में यदि आपने सफलता पा भी ली तो उस सफलता में भला क्या अंतर आ जाएगा। इंसान की यात्रा मूलाधार से चेतना या शरीर से प्रकाश की है, इसलिए कभी संघर्ष से भागे मत, क्योंकि आत्मा को ऊपर उठाने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहना चाहिए, ताकि आप अपने भीतर बैठे हुए उस डर, उस कमजोरी से लड़ सके, उसे हरा सके और उसे अपने भीतर से निकाल सके। इसलिए मुसीबत उसे डरिए मत, बल्कि उनका सामना कीजिए, उनसे संघर्ष कीजिए और खुद को मजबूत बनाइए, खुद को और ऊपर उठाइए। और इसके लिए आपको किसी युद्ध में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने कर्तव्य काल का निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करो। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा, हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो मन ही नहीं लगता। तो इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है, इसके लिए आपको सबसे पहले एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मान लीजिए कि आप 3 साल में क्या पाना चाहते हैं, उसे एक पेपर पर लिख दीजिए। अगले 3 साल में आपका लक्ष्य क्या है, यह आपको पहले जानना होगा। और फिर उस लक्ष्य को पाने से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी 3 साल का आपका लक्ष्य बनेगा, इस समय केवल वही आपका उद्देश्य है। और जब आप इस उद्देश्य का अर्थात इस लक्ष्य का पीछा करते हो, पूरा मन लगाकर काम को पूरा करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन उसी दौरान हमारे मन में तरह तरह के विचार भी उत्पन्न होने लगते हैं। बार बार कहीं ना कहीं हमारे मन के भीतर एक भ्रम सा बना रहता है, जो आपको बार बार आलस्य और तामसिकता की ओर ले जाता है, जिस कारण बार बार हमारे मन में एक डर उठता है, एक संदेह उठता है और हम खुद पर शंका करने लगते हैं। लेकिन आपको इन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आपको इन्हें छोड़कर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। आपको उच्च कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। वास्तविकता में यही संघर्ष है जो आपको खुद से ही करना पड़ता है। इस बात को कुछ ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए आपके भीतर 2 प्रकार के मस्तिष्क हैं, एक उच्चतम और दूसरा न्यूनतम, और दोनों ही आप पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। उन दोनों के बीच में लगातार एक खींचातानी चलती रहती है, जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, लेकिन जब हम जागरूक होते हैं हम यह अच्छी तरह समझ पाते हैं और हम उन दोनों पर नियंत्रण साधने में सफलता भी प्राप्त कर लेते हैं। और इसे ही संघर्ष कहा जाता है, क्योंकि यह लड़ाई हमें भीतर की ओर लड़नी है। हमारा दुश्मन यहां पर और कोई नहीं बल्कि हम खुद ही हैं, और यहां पर हमारा मित्र भी कोई और नहीं बल्कि हम खुद ही हैं। यदि आप भी अपने जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं, तो तरक्की पाने के लिए इस नियम को समझने की आवश्यकता है कि बड़ी जिम्मेदारियां केवल उस व्यक्ति को ही मिलती है जो अपना किरदार अच्छी तरह से निभाता है। अर्थात यदि आप अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं तो अवश्य ही आपको और भी अच्छे काम मिलेंगे, आपको उन्नति मिलेगी। किंतु यदि आप अपने काम में आनाकानी कर रहे हैं, आप अपने काम को टाल रहे हैं, तो ऐसे में भला आपको कोई भी कार्य क्यों सौंपेगा। यह दुनिया संघर्ष पर ही टिकी हुई है और यह दुनिया का एक अडिग नियम है। इसलिए सफलता का असली मतलब संघर्ष खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि संघर्ष का सामना करते हुए समझदारी से निडर होकर और शक्तिशाली बनते जाना है। जीतना ही सफलता है, इसलिए अपनी काबिलियत पर ध्यान दीजिए और अपने काम को पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ पूरा कीजिए। लेकिन अब यहां पर अधिकांशतः लोग यह सवाल करेंगे कि मेरे जीवन में तरह तरह की तकलीफें, मेरे पास अच्छे साधन नहीं है, या फिर मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। यदि आप इस तरह से सोचेंगे तो आप कभी भी संघर्ष की यह लड़ाई जीत नहीं पाएंगे, बल्कि आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि मैं यह कार्य करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हूं, मैं इस संघर्ष को संभालने के लिए पूरी तरह से काबिल हूं। जैसे ही आप अपने आप से यह कहेंगी, वैसे ही आपके मन में से एक जवाब आएगा, नहीं अभी आप काबिल नहीं हैं,
और ठीक उसी वक्त आपको खुद से एक बार फिर यह पूछना है, क्या कोई इससे भी छोटी परेशानी है जिसे मैं संभालने के काबिल हूं? और उस वक्त आपके भीतर से जवाब आएगा, हां, मैं इस समस्या का समाधान कर सकता हूं। और जैसे ही आपके भीतर से यह जवाब आए, आप उस समस्या के समाधान में पूरी तरह से जुट जाइए। जैसे हम में से अधिकांश लोग अपनी नौकरी के लिए जगह जगह घूमते फिरते हैं, किसी को अपना घर छोड़कर कहीं और जाकर नौकरी करनी पड़ती है, तो किसी को अपना घर परिवार ले जाकर कहीं और पर रहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में आप अपने आप से पूछ सकते हैं, मैं क्या नियंत्रित कर सकता हूं? आपके भीतर से जवाब आएगा, मैं खाना पीना, समय पर उठता, समय पर सोना, नियमित एक्सरसाइज, ध्यान करना, ये सारी चीजें मैं आसानी से नियंत्रित कर सकता हूं। हां, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सी छोटी सी चीजें, लेकिन शुरुआत आपको छोटी चीजों से ही करना होगा। आप इनमें महारत हासिल करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप अपने आप से ही सवाल करेंगे कि मैं आज से इन चीजों पर नियंत्रण साधने वाला हूं, वैसे ही आपका मन आपसे कहने लगेगा, इन बातों में भला क्या रखा है, इससे अच्छा है देर तक जागो, रात में मूवीज वगैरह देखो और भविष्य की चिंता छोड़ दो। और यहां पर अधिकांश लोग ऐसा ही करते हैं, जबकि आपको ये नहीं करना, बल्कि आपको बिना विचलित हुए अपने मन पर नियंत्रण करते हुए आपने कार्य में जुट जाना है, और यही संघर्ष है। लेकिन अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर संघर्ष कैसे करते हैं, तो इसका बड़ा ही सीधा सा जवाब है, सीधा उसका सामना करो। केवल आपके मन के भीतर बैठा हुआ है वह डर, वह अविश्वासी आपको आलस के जाल में फंसाए हुए हैं। किंतु जब आप चुनौतियों का सामना करने के लिए दृढ़ निश्चय करते हो, जब कर्तव्य और निश्चय से पूरा करने का प्रण लेते हो, ठीक उसी समय उस समस्या का सामना करने के लिए आपके भीतर साहस और शक्ति अपने आप ही विकसित होने लगती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यदि आप एक चुनौती जीत गए तो आप आराम से बैठ जाइए, बल्कि आपको आगे बढ़ते रहना है, खुद को और बेहतर बनाते रहना है। इसलिए जब आप एक चुनौती जीत जाओ तो आगे बढ़ो और अपने आप को और बेहतर बनाओ, क्योंकि आपने यह रास्ता अपनी उन्नति के लिए चुना है। और यदि आप उन्नति करना चाहते हैं तो आपको लगातार आगे तो बढ़ते ही रहना होगा। इसी प्रकार सीढ़ी दर सीढ़ी मन को जीता जा सकता है, मन पर नियंत्रण साधा जा सकता है। और जैसे जैसे आप अपने मन पर नियंत्रण साधते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपके भीतर लगातार परिवर्तन हो रहा है, और आप छोटी से छोटी चीजों का समाधान बड़ी सरलता से निकाल लेते हैं, और वहीं पर आप बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना करने से कभी पीछे नहीं हटते। और ये सब आपके संघर्ष के कारण ही हो सकता है। यदि आप खुद से संघर्ष ना करें, खुद से ना लड़े, तो आप उन उन्नतियों को हासिल नहीं कर सकते। जैसे आपको याद होगा, जब हम छोटे बच्चे थे और हमारे सामने कोई भी गणित का एक सवाल आता था, तो हम उसे देखकर विचलित हो जाते थे, हम डर जाते थे, पता नहीं ये हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, पता नहीं हम इसका समाधान निकाल पाएंगे या नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप उस पर कार्य करते हैं, जैसे जैसे आपको शिक्षक उसके बारे में अच्छी तरह समझाते गए, वैसे वैसे हम उसका समाधान निकालने में सक्षम हो पाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास वहां पर उसके अलावा दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। और जब आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। लेकिन आजकल के समय में हमारे पास एक के अलावा और भी कई सारे विकल्प होते हैं, और इसी कारण हम अपने लक्ष्य तक कभी पहुंच नहीं पाते। क्योंकि जैसे ही हम अलग अलग विकल्प चुनते हैं, हमारा मन तुरंत हमसे ये कहता है, अरे ये नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम वो वाला कर लेंगे, यदि वो ना हुआ तो हम वो वाला कर लेंगे। लेकिन इसी के चक्कर में आप पूरी तरह से फंस कर रह जाते हैं, ना तो आप अपना पहला लक्ष्य पूरा कर पाते हैं, और ना ही दूसरा और ना ही तीसरा, और यह कड़ी इसी प्रकार चलती रहती है। और हम जीवन के इस संघर्ष में पूरी तरह से फंस कर रह जाते हैं, क्योंकि तब हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमारे अंदर वह शक्ति नहीं, हमारे अंदर वह साहस ही नहीं है कि हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सके। किंतु यदि आप अपने जीवन में केवल एक लक्ष्य रखते हैं और एक ही विकल्प रखते हैं कि मुझे इस लक्ष्य को किसी भी हालत में हासिल करना है, तो आप खुद ब खुद उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपके भीतर वो शक्ति, वो साहस उत्पन्न होने लगेगा, और आप देखते ही देखते उस लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे। और एक समय ऐसा भी आएगा जब आप उस लक्ष्य को बड़ी सरलता और आसानी से हासिल भी कर लेंगे,
लेकिन जब पीछे मुड़कर आप अपनी उस यात्रा को देखेंगे तब आपको एहसास होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि मैं इतनी कठिन यात्रा कर सकता हूं, लेकिन वास्तविकता यही है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आप चाहते हैं वह आप कर सकते हैं, जो आप चाहते हैं वह आप पा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।